हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में आपको आज सिंपल सी भाषा में जानकारी देंगे लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट के बारे में कि दोस्तों इस टेबलेट के क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे, किस बीमारी में ये टेबलेट यूज़ की जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है और ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। तो आपको पूरी जानकारी जो है दोस्तों आज से एक छोटी सी वीडियो में आज हम आपको देंगे। आप दोस्तों ऐसे कीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। तो दोस्तों लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट जो है इसको दोस्तों मार्केट एंड मैन्युफैक्चर किया जाता है सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। इस टेबलेट में दोस्तों एक सॉल्ट डाला गया है जिसका नाम है क्लोनेज़ेपाम, जो कि 0.5 mg के रूप में इस टेबलेट में डाला गया है। ओके, अब अगर इसके प्राइस और पैकिंग के बारे में जानकारी दी जाए तो दोस्तों इसकी 15 गोलियों की पैकिंग के एक स्ट्रिप का इसका प्राइस है लगभग 60 रुपये के करीब, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में, बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे और क्या उपयोग हैं इस टेबलेट के। तो दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए और मिर्गी दौरों का इलाज करने के लिए। ओके, तो पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर रोग में कैसे उपयोगी है लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट। तो दोस्तों लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट जो है आपके दिमाग में एंजाइटी महसूस कराने वाले केमिकल्स के स्रावण को रोकती है और इस प्रकार से यह बहुत अधिक एंजाइटी तथा चिंता के लक्षणों को कम करती है। यह एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ होने वाली बेचैनी, थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याओं को भी कम कर सकती है। इसलिए दोस्तों यह आपको अपने दैनिक कार्यों को आसानी से करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगी, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि लोनाज़ेप टेबलेट जो है मिर्गी दौरों का इलाज करने में कैसे उपयोगी है। तो दोस्तों लोनाज़ेप 0.5 mg गोली जो है दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को धीमा करती है और दौरे जो होते हैं उनका जो कारण बनती है उस सिग्नल को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। यह भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने डुलने या झटके खाने जैसे मूवमेंट, जागरूकता की हानि और डर या फिर एंजाइटी जैसे लक्षणों को कम करने में काफ़ी मदद करती है। यह दवा लेने पर आपको कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप करने से डरते हो, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग होगी, ड्राइविंग वगैरह होगी, ये सब, ठीक है। इस दवा को असर करने में क्या है दोस्तों, कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। तो और इस दौरान जो है आपको दोस्तों दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि दवा के डोज आप जो लेने बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, और अपने डॉक्टर से पूछे बिना दवा जो है बंद भी ना करें। तो ये तो थी जानकारी दोस्तों इसके उपयोग और इसके फ़ायदों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लोनाज़ेप टेबलेट के साइड इफेक्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों कुछ 4-5 कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, अवसाद, तंद्रा, थकान, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे इस टेबलेट के उपयोग के दौरान मिल सकते हैं। अब ज़्यादातर साइड इफेक्ट में क्या है दोस्तों, डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है और जैसे आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप आपकी बॉडी से गायब हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहे हैं, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में, बात करते हैं कि लोनाज़ेप टेबलेट जो है ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों ये टेबलेट जो है एक बेंजोडाइज़ेपाइन है, यह एक केमिकल मैसेंजर के एक्शन को बढ़ाकर काम करती है हमारे माइंड में, जो कि दिमाग में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि जो होती है उसको दबाने का काम करती है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों हमारी बॉडी में काम करती है लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट। तो ये थी दोस्तों जानकारी लोनाज़ेप 0.5 mg टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को जो है दोस्तों जरूर लाइक करें एंड चैनल को दोस्तों कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।